माननीय नंद किशोर यादव जी को, जिन्होंने पटना महानगर के क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचा है। 24 के चुनाव में एक रिकॉर्ड स्थापित हो जहां पे 4 लाख के मार्जिन से हमारा प्रत्याशी जीता हो। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में चौथे चरण के चुनाव से पहले बीजेपी दमखम दिखा रही है। चुनावी मैदान में एक तरफ INDIA का कुनबा है तो दूसरी तरफ NDA का। अब ऐसे में पटना में भी दमखम दिख रहा है। एक तरफ पटना में पीएम मोदी के रोड शो के पहले बीजेपी के दिग्गज नेताओं का बड़ा ऐलान चल रहा है, और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया। पटना साहिब लोकसभा सीट रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी वो सांसद थे और इस बार ऋतुराज सिन्हा रविशंकर प्रसाद को जिताएंगे। और रविशंकर प्रसाद के लिए आज जो है ऋतुराज सिन्हा ने माहौल बना दिया है। बीजेपी ऑफिस में सभा आयोजित की गई थी जिसमें ऋतुराज सिन्हा शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। ऋतुराज सिन्हा ने सीधे सीधे कहा है कि रिकॉर्ड टूटेगा, 4 लाख पार होगा। देखिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, हम कहे तो NDA घटक दल के बड़े बड़े नेताओं का जुटान लगा था। चिराग पासवान मंच पर मौजूद थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का जुटान था जिसमें दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। और इस बीच ऋतुराज सिन्हा ने माहौल बना दिया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा मंच से रविशंकर प्रसाद के लिए, इस वीडियो में जरा सुनिए। आप लोगों को तो समय बहुत लग जाएगा, समय का अभाव है, मैं संक्षेप में अपनी बात रखता हूं। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी की संस्कार और संस्कृति है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। और ये चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के लिए लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम देश के लिए लड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी और देश को अगर मजबूत करना है, मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, तो रविशंकर जी को प्रचंड बहुमत से जिता के भेजना होगा, प्रचंड बहुमत से जिता के भेजना होगा। और इतिहास गवाह है कि पटना महानगर एक कार्यकर्ताओं का गढ़ है, भाजपा के ऐसे कार्यकर्ताओं का गढ़ है जिसने जब से पटना साहिब की सीट अस्तित्व में आई है तब से इस सीट पे हर एक बार जीत दर्ज किया है, और वो जीत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दर्ज किया है। मैं आप सबको इस बात पर फिर आह्वान करूंगा, और मैं साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं बंधुओं को याद कराऊंगा आज कि ये चुनाव कमल फूल लड़ रहा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का बूथ का वर्कर लड़ रहा है, ये चुनाव मंडल का अध्यक्ष लड़ रहा है, ये चुनाव शक्ति केंद्र का प्रभारी लड़ रहा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हरेक शुभचिंतक लड़ रहा है। लड़ रहा है कि नहीं बताइए, लड़ रहा है कि नहीं बताइए। दोस्तों, हमारे पहले कई सारे भारतीय जनता पार्टी के इस भूमि पर ऐसे कार्यकर्ता हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में। मैं आज उनको याद करना चाहता हूं उस मंच से, ताकि बिहार और पटना की हर गली का बच्चा याद रखे कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को भूलती नहीं है। आज हम याद करें स्वर्गीय सूर्य नारायण यादव जी को जो यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे, स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी को जो यहाँ के अध्यक्ष रहे, माननीय नंद किशोर यादव जी को जिन्होंने पटना महानगर के क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचा है, माननीय अरुण सिन्हा जी को जिन्होंने अध्यक्षीय काल में पटना को खड़ा करने का काम किया, माननीय रामजी सिंह जी को, माननीय हरेंद्र सिंह जी को, स्वर्गीय विश्वनाथ भगत जी को, श्री किरण शंकर जी को, श्री TN सिंह जी को, श्री सीताराम पांडे जी को, और अभी उस लंबे कतार में चल रहे भाई अभिषेक चंद्रवंशी को, इनकी सभी टीम को और सभी कार्यकर्ताओं को। जब जब यहाँ चुनाव हुआ है
तो यही भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता जी जोर से चुनाव लड़ा है और एक उदाहरण स्थापित किया है पूरे बिहार प्रदेश के लिए। मैं आपका आह्वान करता हूं कि इस बार भी 24 के चुनाव में एक रिकॉर्ड स्थापित हो। आज तक पटना की धरती पर कोई चुनाव नहीं हुआ संसदीय क्षेत्र का जहां पे 4 लाख के मार्जिन से हमारा प्रत्याशी जीता हो। आइए हम सब प्रण ले, आइए हम सब सुनिश्चित करें कि माननीय रविशंकर प्रसाद जी को 4 लाख वोट के मार्जिन से इस बार हम जिताएंगे। मंजूर है कि नहीं बताइए, मंजूर है कि नहीं बताइए। अरे पीछे सुनाई नहीं का पड़ रहा है काजी, पड़ रहा है ना? तो मुट्ठी बांधिए, हाथ उठाइए और बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रविशंकर बाबू जिंदाबाद, रविशंकर बाबू जिंदाबाद, जय हिंद, जय बिहार, जय पटन देवी। तो आपने सुना है वीडियो में ऋतुराज सिन्हा को राष्ट्रीय सचिव है और सीधे सीधे जो है बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, रिकॉर्ड टूटने वाला है पटना में। पटना के लोगों से उन्होंने बड़ी अपील कर दी है और पटना साहिब की जनता से उन्होंने कह दिया है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़िए और रिकॉर्ड तोड़कर रविशंकर प्रसाद को जिताइए। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नेताओं को बिहार बुला रही है, बड़ा बड़ा ऐलान हो रहा है, चौथे चरण का मतदान होना है, मगर उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं, पटना में बड़ा रोड शो होगा और इस बीच ऋतुराज सिन्हा ने बड़ा ऐलान कर दिया है, माहौल बना दिया है और जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना था आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, धन्यवाद। माननीय नंद किशोर यादव जी को जिन्होंने पटना महानगर के क्षेत्र को अपने खून पसीने से सींचा है, 24 के चुनाव में एक रिकॉर्ड स्थापित हो जहां पे 4 लाख के मार्जिन से हमारा प्रत्याशी जीता हो, पढ़ रहा है ना? तो मुट्ठी बांधिए, हाथ उठाइए और बोलिए भारतीय जनता।